यूपी में बीएसपी ने चुनावी गठबंधन क्या खड़ा किया, मायावती की इस सालगिरह भी खास बन गई। खुद अखिलेश यादव फूलों का गुलदस्ता थामे मायावती के घर पहुंचे, मुबारकबाद का लेन देन हुआ और साझा गठबंधन की ये तस्वीरें यूपी की सियासत में शोर करने लगी। 63वीं सालगिरह पर मायावती ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो गठबंधन को लेकर सियासी मिजाज देखा और समझा जा सकता था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरह से अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया। पहला हमला योगी सरकार पर मुस्लिमों को लेकर था। और तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। ये अति दुखद व काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मायावती जानती हैं कि एसपी से गठबंधन के बाद किन धर्मों, मजहबों और जातियों ने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। मायावती इधर गरज रही थी तो उधर ओडिशा में मोदी भी कांग्रेस से हिसाब किताब मांग रहे थे। मायावती ने यहां उन आरोपों की लिस्ट पेश कर दी जहां सामने बीजेपी खड़ी है। 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहां फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है। लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है। मायावती ने हर सालगिरह की तरह अपनी किताबों का विमोचन भी किया, लेकिन कांग्रेस को लेकर पहली दफा रुख कड़ा भी दिखा। यूपी के गठबंधन से कांग्रेस बाहर है, लेकिन मायावती के आरोपों से नहीं। राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं। कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। खैर, पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मायावती का रुतबा दिखा और आज अखिलेश के गुलदस्ते में फूल तो दिखे, लेकिन ये रास्ता चुनावी है जहां कांटे भी कम नहीं।